तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक ऐसी शख्सियत 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 के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका सांपों के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिश्ता है। इस नाग प्रेमी का नाम है वकार जका 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 भगपैच। अब जिन लोगों को नहीं पता वकार जका जका कौन है, पाकिस्तानी रोडीज इन्हीं का बच्चा है जिसपे मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं। लेकिन आज वकार भाई का एक नया शो आया है जिसका नाम है द चैंपियंस। लेकिन मैं शो को प्यार से बुलाता हूं अलग नाम वही बकचोदी। तो आओ यार अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल के एडजस्टमेंट करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। शोस का ट्रेंड सेट करने वाले डेयर डेविल वकार जका, इसकी तो जिंदगी ही बन गई। मैं भी वकार भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर मैं उनसे मिलूंगा तो मैं फोटो वोटो नहीं खिंचवाऊंगा, मैं सीधे जाके बोलूंगा वकार भाई मेरी छाती पे अपना साइन करके मादर चोत लिख दो। जेल में कैदी एक दूसरे को देख के यही साइन बनाते हैं और फिर रात को हिंदी वॉवल्स की आवाजें आती हैं। आओ, आओ, आ, आ। और ये जॉनी सिंस यहाँ क्या कर रहा है, पौन हमने छुट्टी दी है क्या? दुनिया में तुम्हें रूल्स फॉलो करने के लिए कहा जाता है, यहाँ रूल्स मुझे फॉलो करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। इतनी शानी गांड है ना ये, इसी एटीट्यूड की वजह से इसके अंदर क्या मार लगी थी। रूल्स मुझे फॉलो करते हैं। लेकिन वकार जका एक ऐसा चिराग है जिसे कितना ही घिस लो कुछ बाहर नहीं आएगा। अब वकार भाई ने पहले ही बोल दिया डेयर शो तो है ही नहीं। अब जब वकार भाई कह रहे हैं डेयर शो नहीं है तो नहीं होगा ना। सांप को, सांप की माँ की चूत है पीटा वाले बाहर खड़े, उन्हें भी वकार भाई ने कह दिया पहले 7 सेकंड में माउंटेन ड्यू पी के दिखाओ फिर कुछ बात करेंगे। अरे भाई पूरा दिन नहीं है हमारे पास, इतनी देर में तो आयशा 2 बार डाल लेती सांप। इसका रोज का ये, अब जब तक कोई कान में झिंगू टांग के सांप को नाक में लेके मुंह में गीदर दबा के ट्रेन की पटरी पे खड़ा होकर शेर से अपनी गांड ना मरवा रहा हो तब तक मजे ही नहीं आते। अब चलते हैं उन नल्ले जनाबों की तरफ जो इस शो में अपना कटवाने आए हैं। वकार भाई अगर बोलेंगे तो मैं जिंदा सांप को खाल उतार दूंगा अपने दांत। कल को वकार भाई ब्लो जॉब देने के लिए बोलेंगे दे देगा, और चैलेंज ये होगा कि दांत नहीं लगने चाहिए। सिर्फ दोस्त के कहने के ऊपर 3 मंजिला चल से चलांग मार। घुसड़ो अपने दोस्त बदल जल्दी मर जाएगा। आई कैन सिंग आई कैन डांस आई कैन एक्ट, तो कोठे पे बिठा दे। मैं दूंगा एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। ये तो कोठे से ही आ रहा है, ये दोनों साथ घर जाएंगे। अब आओ ऑडिशंस में अपना माथा फोड़ लेते हैं। आपके बारे में इंटरेस्टिंग क्या है? मेरे बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि मैंने इंटरेस्टिंग मैं टिकटॉक बहुत अच्छी बनाती हूँ। और मारो मुझे मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। मैं टिकटॉक बहुत अच्छी बनाती हूँ। ऐसे तो मैं नहाता बहुत अच्छा हूँ, कम नहाता हूँ लेकिन जब भी नहाता हूँ बहुत अच्छा नहाता हूँ, पूरा शरीर गीला हो जाता है। इस पे तो वकार को खुद गुस्सा आ गया, इस लाली को स्कूल वाली पनिशमेंट दे दी। खड़ी होकर हाथ ऊपर कर ले और चिल्लाते रहियो जब तक पूरा पाकिस्तान नहीं सुन लेता। ऐसा करना है कि हम सब बोले यार ये एंटरटेनिंग है, ट्राई करूंगा सर। जिंदगी में मौकों की कितनी कमी है, अबे ऊबर ही चला लो 4 पैसे आएंगे इज्जत बढ़ेगी। लेकिन नहीं, इन्हें टीवी पे आके लंड नाच करना है। ये सुहागरात है आपकी, ठीक है? ये वो लड़की है जिसके आप सुहागरात मनाना चाहते हैं, आप क्या बात करेंगे कैसे अप्रोच करेंगे हम वो देखना चाहते हैं। अरेंज है अरेंज। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें इसके साथ सुहागरात बनानी है तो तुम्हारा पहला प्रश्न ये होगा अरेंज है अरेंज। बहन चोद, अच्छा अगर लव मैरिज होगी तो कैसे करेगा? चुप हो जाओ, बातों में टाइम वेस्ट मत करो, चलो हम शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन का अमल। इसके स्टैंडर्ड इतने गिरे हुए हैं, ये सेक्स के लिए शादी कर लेगा, इसे अपनी चाबी बस किसी गाड़ी में भरनी है, फर्क नहीं पड़ता वो मारुति हो या मर्सिडीज। खैर बकार इसे यहाँ नहीं छोड़ता। 1 मिनट दूंगा पहले आपको, आपको इनको 1 मिनट में उठा के पटक देना। 30 सेकंड हो गए। हाँ गुज्जा अंदर कते छेद कर दो उसके पैंट के बीच में, ऐसा लग रहा है इसने 40 वायग्रा की गोलियां खा ली है और अब हिसाब किताब ना समझ नहीं रहा है। और वकार भाई पहले आप कुछ
कह रहे थे। डेयर शो तो है ही नहीं। तो ये जो एक दूसरे के लड़ में घुस रहे हैं ये क्या है? तो दोस्त पकचोदी कर रहे हैं। सिलेक्शन हो गई भाई आपके। एक पाव भर से इंसान को पकड़ के पटक दिया और सिलेक्शन हो गई। पहले तो वकार भाई कह रहे थे चैंपियन बनने के लिए एक ही चीज चाहिए मुझे, तुम्हारी पर्सनैलिटी में दम दम दम। वकार भाई को बंटी जात चाहिए जो कतई चूतिया। आपने यहाँ फॉर्म पे केएल लिखा हुआ है, आई एम केएल। केएल क्या होता है? केएल मतलब कमाल, कमाल लॉन्डी। ये माँ लाइफ माँ रूल्स वाली लॉन्डिया ना मुझे समझ में नहीं आती। ऐसे कौन बोलता है यार, मैं कमाल लॉन्डी आई हूँ और मैं कमाल लौंडा, आओ बच्चे करें। नहीं, ये क्या कमाल कर सकती है? आई ये मूड बना दिया, लेकिन वकार कच्ची घास है, इतनी जल्दी गीली नहीं होगी। मैं क्या कमाल था भाई? मुझे आप बगैरती नहीं लगी आपको? नहीं। कितना हरामी है बकार, मजे भी ले गया और फिर बाप बन के दिखा रहा है। नहीं, जब वो तेरे पास आ रही थी तो तेरे को क्या लगा अपनी जुल्फे फेंक के मारेगी? 100 साल पहले पता चल गया था चुम्मी देने आ रही है। आप मुझे क्यूट से छोटे से बच्चे लगते हैं, इसलिए किया। अच्छा भाई, क्यों मतलब बच्चों को हम किस नहीं कर सकते? अगर वकार इससे बच्चा लगता ना तो ये दोनों तो पैदा ही नहीं हुए अभी तक। मैंने आपकी पिक्चर अपने कमरे में भी लगाई हुई है, वॉशरूम में भी लगाई हुई है। मैं तो कहता हूँ सबको अपने संडास में वकार की फोटो लगानी चाहिए, लंबा बैठने की आदत छूट जाएगी, क्योंकि तुम इसकी थूत को 5 मिनट देख सकते हो, आधा घंटा नहीं। और स्नैपचैट पे जो आप एजुकेशन देते हैं, वहाँ एजुकेशन देता हूँ मैं। हाँ, सबको पता है वकार भाई स्नैपचैट पे बहुत ही उच्च लेवल की एजुकेशन देते हैं। आओ देखो। मैंने तो आप लोगों को बहुत पागल बनाया, हमेशा आप चूतिया बनते हैं, हम चूतिया बनाते हैं, आप बहुत बड़े चूतिया। अब तो मैंने आपको चूतिया बनाना छोड़ दिया, लेकिन जब चाहूँ मैं आपको चूतिया बना सकता हूँ, जब भी, क्योंकि आप लोग हैं रेडीमेड चूतिया। ऐसी एजुकेशन पाके तो ये कमाल लौंडिया बनी है। खैर, इसका पूरा बदला लेगा वकार। अबे भोसड़ी वालों, जब पूरा सांप ऐसे नाक में घुसरते हुए दिखा दिया तो इसको ब्लर करने का क्या मतलब है? हम यहाँ बैठ के गेस्टेड पोकेमोन खेलते रहे? सांप और गिरगिट के ऊपर नीचे कुछ होगा, उससे ज्यादा क्या है? और वकार भाई, आपने तो कहा था डेयर शो नहीं है भाई। डेयर शो नहीं है भाई, डेयर शो नहीं है भाई, डेयर शो नहीं है भाई, डेयर शो नहीं है भाई। पिला कोई जहर पिला। बकार तू एक ऐसा अलबेला लड़ है जिसकी खूबसूरती मुरझाती जा रही है, तो वक्त को देखते हुए बिग बॉस की टिकट काट ले। अगर पाकिस्तानी बिग बॉस में जाने का मन नहीं है तो यहाँ जा, सलमान भाई तेरा बचपन से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस साल मत आइयो, वो हिंदुस्तानी भाव आ रखे, तेरे को देखते ही बोलेंगे निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। आज का फंक्शन यही खत्म करते हैं। अब अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 1.5 डेढ़ मिलियन लाइक्स के लिए। कर दो यार, ये इंसान खुशी से झूम उठेगा। पैसे नहीं मिलते लेकिन खुशी जरूर मिलती है। और यार चोर बढ़ती रहनी चाहिए, सब्सक्राइब करो यार, वो जो लाल वाला बटन है उस पे सांप बिच्छू केकड़ा मधुमक्खी जो भी पकड़ने का अपने हाथ में गूदा रखते हो ना उसे फेंक के मारो, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, वो मोहित के लिए रिश्ता आया है, बाय मोहित। हाँ लड़की तो देखा, अबे डरा क्यों रहा है? फिर भी रहना चाहती वो मेरे साथ है, गलत मोड़ पे खड़ी है मेरी जिंदगी, दिमाग और दिल के पीछे हटके मेरी जिंदगी, गिर के उठने का नाम ही है जिंदगी, रोड से करोड़ तक की है ये जिंदगी, गलत मोड़ पे।